सो गाइस, अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर Realme C31 स्मार्टफोन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, उस दौरान तो हमें यहाँ पर स्मार्टफोन का लुक पता नहीं था, लेकिन गेस किया गया था कि ये स्मार्टफोन हमें Realme C35 की तरह देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आज यहाँ पर स्मार्टफोन के रेंडर्स भी सामने आ चुके हैं और ये स्मार्टफोन हमें कौन से कलर ऑप्शन के साथ में मिलेगा ये भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, स्मार्टफोन के कौन कौन से वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे ये भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही में दोस्तों, ये स्मार्टफोन हमें कब तक इंडिया में देखने को मिलने वाला है और स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या हो सकती है इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर Realme की तरफ से एक बजट रेंज के स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे जो कि आपको नए लुक्स के साथ में मिल जाए, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी रही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। हाँ तो भाई, सबसे पहले हम थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं स्मार्टफोन से, ये स्मार्टफोन हमें कैसा देखने को मिलने वाला है और फोन की बिल्ड क्वालिटी क्या होने वाली है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये फोन आने वाला है प्लास्टिक बिल्ड पर, जहां पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक के बैक मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, आपको यहाँ पर फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है ये आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी। रही बात डिजाइन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन जैसा कि हमने बताया Realme C35 की तरह ही मिलने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़े मोटे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक साइड में आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर डिजाइन के साथ में 3 कैमरा मिलने वाले हैं, साथ ही में LED फ्लैश होगा, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग के साथ में आपको यहाँ पर रियर माउंटेड स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जबकि दोस्तों, Realme C35 के अंदर हमें बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया था, बट फ्रेंड्स हमें यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलने वाला है। रही बात सामने की लुक की, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वी नॉच वाली डिस्प्ले मिलने वाली है, और बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर ठीक ठाक चीन और बीजल्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखा जाए यार, तो यहाँ पर जो फोन का लुक है ये तो आपको अच्छा दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, तो दोनों के मामले में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। कलर वेरिएंट्स की बात करें तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। स्मार्टफोन के 2 कलर वेरिएंट ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, सिल्वर और ब्लैक, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हेलो हाय तो हमने कर लिया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये फोन आने वाला है 6.5 इंच की HD+ की IPS LCD पैनल के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और लगभग 269 PPI डेंसिटी का सपोर्ट मिल जाएगा, तो कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के लिए डिस्प्ले ठीक ठाक मिलने वाली है। और हाँ गाइस, फोन के अंदर आपको पॉसिबली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात होने वाली है। फोन को डायरेक्ट सनलाइट में इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम 400 नीट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये उतनी अच्छी ब्राइटनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट में फोन इस्तेमाल करने में कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, अगर हम गेमिंग की बात करें तो नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और पॉसिबली आपको यहाँ पर 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो सबके पास देखेंगे यार, तो यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्प्ले होने वाली है वो आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो दोस्तों, इस फोन के बैक साइड में लगे होंगे 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, 13 मेगापिक्सल का सेंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 का मैक्रो होगा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। और भाई सामने की तरफ आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिलने वाला है। तो सबके पास देखेंगे यार, तो यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि दोस्तों, Realme अगर ट्यूनिंग अच्छी कर दे तो 13 मेगापिक्सल भी कम नहीं होते हैं, आपको अच्छी खासी इमेज देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। तो यहाँ पर दोस्तों, सब कुछ अब यहाँ पर ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ट्यूनिंग कैसे होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन आने वाला है यूनिसॉक के T610 चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये वही चिपसेट है जो कि हमें माइक्रोमैक्स के N2B और Realme के C21Y स्मार्टफोन के अंदर मिलता है। तो देखा जाए यार, तो चिपसेट तो अच्छा है, आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, लेकिन मीडियम यूजर्स के लिए अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ में ये चिपसेट आता है, तो आपको यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है। हैवी यूजिंग में आपको यहाँ पर थोड़ी मोड़ी हीटिंग की भी दिक्कत आती है। अगर हम यहाँ पर इस CPU के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो दोस्तों, ये CPU एक ऑक्टा कोर का चिपसेट है, जहाँ पर आपको 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में 8 कोर मिलते हैं, जिसमें से पहले 2 कोर आपको मिलते हैं 1.8 GHz पर कोर्टेक्स A75 के, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क को यहाँ पर हैंडल करते हैं। और दोस्तों, मीडियम टास्क और पावर एफिशिएंसी के लिए आपको दिए गए हैं 6 कोर 1.8 GHz पर कोर्टेक्स A55 के।
डे टू डे टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। आप यहाँ पर इजीली अपने रोजमर्रा के जो काम है वो काफी आसानी से कर सकते हैं। गेमिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया आम वाली G52 MP2 का 2 कोर का GPU जो कि आपको यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी ठीक ठाक करा देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियाटेक हीलियो G70 जैसी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है, तो फोन में दोस्तों आपको यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी ठीक ठाक करने को मिल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ में बात कर लेते हैं फोन के रैम और स्टोरेज की। तो दोस्तों अभी तक जो लीक्स आई हैं उस हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर 3 और 4 GB के 2 RAM वेरिएंट मिलने वाले हैं और रैम की क्वालिटी होगी LPDDR4X। वहीं पर स्टोरेज की बात कर ले तो 32 और 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिल जाएगी और स्टोरेज की क्वालिटी होने वाली है eMMC 5.1। तो आपको यहाँ पर चिपसेट के हिसाब से रैम और स्टोरेज की जो क्वालिटी दी गई है वो भी अच्छी मिल जाती है, उसमें भी आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। और हाँ भाई, अगर फोन के पावर हाउस की बात करें तो इस मामले में यार रियलमी कभी भी गलती नहीं करता है। फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि काफी अच्छे साइज की बैटरी है, तो आपको यहाँ पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप काफी आराम से निकाल कर दे देती है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मल 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों इस फोन के अंदर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलने वाली है। लेकिन यार यहाँ पर एटलीस्ट 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट होता तो थोड़ा सा और मजा आता। फिर भी दोस्तों बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर ठीक मिलता है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं दिया गया। और गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे और पॉसिबली आपको यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों बजट स्मार्टफोन होने वाला है और रियलमी की तरफ से जो भी बजट स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च किए गए वहां पर हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलता है। यहाँ पर लीक्सर्स का मानना यही है कि फोन के अंदर हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, साथ ही में 3.5mm का जैक आपको मिल जाएगा और फोन के अंदर आपको यहाँ पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलने वाला है, तो ऑडियो भी आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की मिल जाएगी। और हाँ गाइस, ये फोन आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर फोन के यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है एंड्रॉइड 11 बेस्ड रियलमी के UI 2.0 पर। और दोस्तों जब तक ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा तब तक हमें रियलमी UI 3.0 काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल चुका रहेगा। ऐसे में यार उम्मीद तो यही है कि स्मार्टफोन को भी एंड्रॉइड 12 के साथ में लॉन्च किया जाना चाहिए, बट दोस्तों यहाँ पर जो लीक्स आई हैं उस हिसाब से एंड्रॉइड 11 के साथ में ही ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। तो हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, थोड़ी मोटी फालतू की नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो फोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों वो आपको अच्छा मिल जाएगा। रही बात दोस्तों फोन की लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर लीक्सर्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में अप्रैल महीने के अंदर लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीने में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर हम फोन की प्राइसिंग की बात कर लें तो स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट होगा 3 GB RAM 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, तो गाइज ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में लगभग 9000 रुपये की प्राइस पर मिलने वाला है। और वहीं पर दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो टॉप ऑफ द वेरिएंट होगा यानी 4 GB RAM और 64 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में लगभग 10000 रुपये की प्राइस पर मिलने वाला है। तो देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन भी थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, क्योंकि 3 और 32 वाला जो वेरियंट है मेरे हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं 8 से 8.5 हज़ार रुपये की प्राइस पर लॉन्च किया जाना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों वो मुझे आप कमेंट बता सकते हैं। वैसे दोस्तों आप सभी को ये स्मार्टफोन कैसा लगा स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के हिसाब से वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यार एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।